हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सनी एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोड पेयरिंग राउंड के बारे में। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राउंड है, बहुत सारी कंपनीज कंडक्ट करती है, बट स्पेशली थॉटवर्क्स में ये एक मैंडेटरी राउंड है। ठीक है, मैंने यूट्यूब पे इसके रिसोर्सेज ढूंढे बट किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। बहुत सारे कंफ्यूजन है, मुझे बहुत सारे डीएम आते हैं कोड पेयरिंग राउंड प्रिपेयर कैसे करें। तो आज पूरा कोड पेयरिंग राउंड के बारे में बात करेंगे, ना कि सिर्फ बात करेंगे बट हम एक कोड बेस पे डेमो भी करके दिखाएंगे कि कोड पेयरिंग राउंड आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। ठीक है, ओवरऑल आपको एक पूरा आइडिया जाएगा इस वीडियो से कि आपको कोड पेयरिंग राउंड के लिए क्या क्या चीजें करके जानी है, लाइक हाउ विल यू प्रिपेयर एंड उस पर्टिकुलर राउंड में क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें नहीं करनी है, व्हाट यू हैव टू मेक श्योर सो दैट योर इंटरव्यूअर कैन सेलेक्ट यू आफ्टर दिस राउंड। ठीक है, और ये पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी थॉटवर्क्स में काम कर चुका हूँ फॉर अराउंड 3 इयर्स एंड आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस टेकिंग दिस इंटरव्यू। ठीक है, मैंने बहुत सारे कोड पेयरिंग राउंड लिए हैं थॉटवर्क्स में और मैंने दिए भी है, तो मुझे दोनों एंड का पता है। सो आई थॉट कि आई विल बी अ राइट पर्सन टू डू दिस, सो यस, सो आई ब्रिंग दिस वीडियो टू यू। इसके अलावा भी अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, इसके अलावा भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिलेटेड, जो जहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो। आप अपने करियर ग्रोथ के बारे में सीख सकते हो, टेक अपस्किल कर सकते हो, जॉब स्विच के बारे में सीख सकते हो। ठीक है, बहुत सारे ओवरऑल चीजों को मैं कवर करने का ट्राई करता हूँ सो दैट वन कैन एक्सेल इन दिस फील्ड। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपको आज क्या क्या पता चलने वाला है। मेरे आईपैड पे मैं कुछ चीजें लिख के लाया हूँ जहाँ पे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा कि कोड पेयरिंग राउंड में क्या क्या चीजें एक्सपेक्टेड होती है। प्लस आई शो यू अ कोड बेस, आई डू अ डेमो राउंड विद यू। ठीक है, एंड ये एक वीडियो नहीं होने वाला, ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होगा। ठीक है, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम अ फ्रेशर पर्सपेक्टिव टू अ वर्किंग प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव हम लोग जाएंगे। ठीक है, वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, सो बने रहना। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इससे आप बहुत कुछ सीखोगे, ना कि सिर्फ कोड पेयरिंग राउंड के बारे में, कोड के बारे में भी, यूनिट टेस्टिंग के बारे में भी, कोड लिखते कैसे है, कोड्स मींस आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हम लोग एक बहुत ही बेसिक कोड बेस से स्टार्ट करेंगे एंड विल टेक इट टू अ एडवांस लेवल, जहां पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई कोड स्मेल्स, हाउ टू रिफ्रैक्टर योर कोड, हाउ टू ऐड न्यू फीचर्स, हाउ टू ऐड यूनिट टेस्ट, एवरीथिंग। ठीक है, सो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, एंड तक बने रहना। सो आ जाते हैं हम अपने आईपैड पे। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो हम आज जानेंगे कोड पेयरिंग राउंड के बारे में वो है व्हाट इज अ कोड पेयरिंग राउंड। कोड पेयरिंग राउंड इज बेसिकली अ राउंड वेयर यू विल बी कोलैबोरेटिंग विद वन ऑफ योर इंटरव्यूअर ऑन अ कोड बेस, जहां पे यू विल बी गिवन अ रिक्वायरमेंट एंड यू विल बी रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टिंग कोड बेस एंड प्रोवाइड द सॉल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे जो फर्स्ट चीज है वो है कोलैबोरेटिव थिंकिंग। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गिवन अ प्रॉब्लम You should be able to collaborate with your interviewer. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको एक प्रॉब्लम पर्सनली दिया गया है, आपने मन में कुछ सॉल्यूशन सोचा एंड इंप्लीमेंट कर दिया, नहीं। You have to collaborate with your interviewer. आप जो भी सोच रहे हो, आप जो भी अप्रोच लेने वाले हो, ठीक है, आपके माइंड में जो भी थॉट्स आ रहे हैं आफ्टर सीइंग द प्रॉब्लम, आफ्टर एनालाइजिंग इट, ठीक है, एंड आफ्टर गेटिंग द रिक्वायरमेंट यू हैव टू डिस्कस दैट विद योर इंटरव्यूअर। ठीक है, दिस इज अबाउट कोलैबोरेटिव थिंकिंग। सो इसके बाद आ जाते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग इन एक्शन। तो इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली यू विल बी राइटिंग द कोड इन फ्रंट ऑफ योर इंटरव्यूअर एंड वो मैं डेमो में दिखाऊंगा कि आप क्या क्या चीजें कर सकते हो, पूछ सकते हो व्हाइल राइटिंग द कोड, बट द बेसिक आइडिया इज कि यू विल बी इंप्लीमेंटिंग द सॉल्यूशन यू हैव डिस्कस्ड। ठीक है, एंड देन यू विल बी बेसिकली डूइंग अ सिमुलेशन ऑफ एवरीडे कोडिंग। ठीक है, जब हम इंडस्ट्री में या किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वी बेसिकली राइट कोड एंड वी आल्सो डिस्कस दिस थिंग राइट विद द इंटरव्यूअर्स और लेट्स से विद योर कलीग्स, राइट, जो भी टीम मेंबर्स है आप उनसे डिस्कस करते हो, इनपुट्स लेते हो, आपके कुछ कंफ्यूजन है तो उसको क्लैरिफाई करते हो एंड बेस्ड अपॉन दैट ऑल द इनपुट्स एंड एनालिसिस यू विल बी डूइंग योर इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, तो ये पूरा पूरा हम लोग कोड पेयरिंग में ये सब चीजों को यूज करके एक बेटर सॉल्यूशन लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इस राउंड के एक्सपेक्टेशंस क्या होते हैं। सबसे पहला बात कि आपको जो कोड बेस दिया जाएगा वो आपको समझना है, यू हैव टू गो थ्रू इट। ठीक है, बहुत बेसिक कोड बेस दिया जाएगा। ठीक है, आपको अगर हैंड्स ऑन कोडिंग आता है कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, वो कंपनी आपको स्पेसिफिकली थॉटवर्क्स आपको उसी लैंग्वेज पे आपको कोड बेस देगा, वेदर इट इज गो, जावा, सी शार्प, वॉटएवर, एंड द टास्क द फर्स्ट 15-10 मिनट्स यू विल गेट टू गो थ्रू द क्लासेस, डिफरेंट मेथड्स एंड सो ऑन। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट सम आइडिया। और ये कोड बेस भी काफी इजी होता है फॉर फ्रेशर्स एंड ग्रेजुएट्स, इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट क्लैरिफिकेशन। एक बार आपने कोड बेस समझ लिया तो आपको एक रिक्वायरमेंट दिया जाएगा कि आपकी ये रिक्वायरमेंट है जो आपको इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, तो आपको अगर उसमें से कोई भी चीजें एम्बिग्युअस लगे या कुछ लगे वो आप क्लैरिफाई कर लो तभी। उसके बाद यू नीड टू थिंक लाउड एंड डिस्कस द अप्रोच। वंस यू गेट द रिक्वायरमेंट, वंस यू हैव द कोड बेस का नॉलेज, देन यू शुड बी एबल टू एनालाइज एंड कम विद अ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि आप डिस्कस करोगे अपने इंटरव्यूअर के साथ कि ये पर्टिकुलर चीज हमें इंप्लीमेंट करना है, तो आई थिंक ये स्टेप होना चाहिए टू गेट दिस डन। ठीक है, एंड देन यू विल बी डूइंग the coding, right? You will be adding that particular requirement or feature while doing the coding, ठीक है? And also you are required to add unit tests. Specifically with ThoughtWorks, आपको अगर यूनिट टेस्टिंग आती है तो बहुत ही प्लस पॉइंट्स है, ठीक है। सो आई वुड से कि आप करके आना प्रैक्टिस, क्योंकि यूनिट टेस्ट लिखना बहुत ईजी है। इट इज जस्ट दैट यू विल बी रिक्वायरिंग टू लर्न वन मोर लाइब्रेरी विच इज जे यूनिट, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, अगर आपको बेसिक कोडिंग आती है तो आप टेस्ट लिख पाओगे, ठीक है। तो ये करना है एंड लास्ट में आपको वेरीफाई करना है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा के आपको बेसिकली दिखाना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट था वो मेट हो गया, राइट। वहां एक दो टेस्ट केस के साथ आप अपना कोड चला के दिखा दोगे यूजिंग टेस्ट। और अगर आप टेस्ट नहीं लिख रहे हो तो प्रोग्राम रन करके बेसिक इनपुट आउटपुट करके आप दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड पेयरिंग राउंड एंड द एक्सपेक्टेशंस। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कोड बेस के ऊपर ये पूरा चीज। सो यहाँ पे मैं आ गया अपने IntelliJ पे, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बेसिक कोड पेयरिंग रेपो बनाया है, प्रोजेक्ट बनाया बेसिकली, एंड यहाँ पे आपको कुछ जावा फाइल्स देखने को मिलेगी, ठीक है। सो द बेसिक आइडिया इसकी लेट्स से कि यू आर गिवन दिस प्रॉब्लम, ठीक है। हम सबसे पहले इसको गो थ्रू करेंगे जो कि फर्स्ट स्टेप है जैसा मैंने बताया था, और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कोड बेस एंड फिर देखेंगे व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। सो मान लो कि मैं एक कैंडिडेट हूँ जो अपने इंटरव्यू के लिए आया हूँ और मुझे ये कोड बेस दिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं एक क्विक ग्लांस आई जस्ट हैव देयर इज अ कार्ट क्लास, दिस इज ई कॉमर्स ऐप प्रोडक्ट यूजर, ठीक है। टेस्ट में कुछ है क्या? टेस्ट में I don't see anything in test, ठीक है। पैकेजेस बने हुए बट empty है, but there is nothing. So I have basically 4 classes. So and this is what I'm doing. I'm trying to think loud, right? आप जब भी कोड बेस देख रहे हो तो आपके सामने एक इंटरव्यू में बैठा हुआ है, राइट। तो वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल विद, वेदर इट इज हिंदी इंग्लिश, आपको डिस्कस कर लो एंड उसके अकॉर्डिंग यू जस्ट ट्राई टू थिंक लाउड व्हेन यू आर गोइंग थ्रू द कोड, ठीक है। तो लेट्स से आई हैव दिस 4 क्लासेस, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, ये मेन क्लास है तो इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ कॉमेंट्स भी दिए हुए, क्रिएट अ रेगुलर यूजर एंड अ प्रीमियम यूजर। तो यहाँ पे यूजर बनाया गया है विद द नेम एंड द यूजर टाइप, फिर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिया गया है, प्राइस दिया गया है, ठीक है। फिर कार्ट बनाया गया है, रेगुलर कार्ट है ये विद द रेगुलर यूजर, ओके, एंड इसमें प्रोडक्ट ऐड किया गया है एंड चेकआउट किया गया है, ठीक है। चेकआउट किया गया है एंड शुड नॉट अप्लाई अ डिस्काउंट ऐसा लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन प्रिंट हो रहा है एंड देन वी हैव अ प्रीमियम कार्ड, एक और कार्ड बनाया गया है जहाँ पे 2 प्रोडक्ट ऐड किए गए एंड देन चेकआउट, ठीक है। ये तो मुझे समझ में आ रहा है कि एक बार मैं यूजर का क्लास देख लेता हूँ। यूजर हैज 2 थिंग्स, यूजर नेम एंड यूजर टाइप, प्रोडक्ट हैज 2 थिंग्स, नेम एंड प्राइस, ठीक है, एंड सिंपल गिटर एंड सो नाउ कार्ट। कार्ट में क्या है? कार्ट हैज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड यूजर, ओके। इट टेक्स 2 थिंग्स व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ कार्ट, इट टेक्स अ यूजर, ये एक कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, एंड इसके पास मेथड है ऐड प्रोडक्ट। तो गिवन अ प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड, ये अपने लिस्ट में ऐड कर रहा है, ओके, एंड देन सिंपली लॉक कर रहा है, प्रिंट एलिमेंट से प्रिंट कर रहा है कि दिस प्रोडक्ट इज एडेड। ये क्या है? कैलकुलेट टोटल, ये कैसे कर रहा है? ये बेसिकली लिस्ट को आइटरेट कर रहा है एंड देन गेटिंग द प्राइस फॉर ईच प्रोडक्ट एंड एडिंग इट टू द टोटल वेरिएबल, ठीक है, ये भी सही है, एंड अप्लाई डिस्काउंट, ओके। एक मेथड है कैलकुलेट टोटल बोल के, ये कहाँ पे है? अच्छा, ये ऊपर में था जो हमने देखा अभी, प्रोडक्ट को आइटरेट करके पूरा टोटल कैलकुलेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो भी आपने कार्ट में ऐड किया है उसका टोटल मिल जाएगा, ओके, एंड देन ये क्या चेक कर रहा है? गेट यूजर टाइप इक्वल्स इग्नोर, ओके ओके। जो ये चेक कर रहा है कि वो प्रीमियम यूजर है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे देखा था मेन ऐप पे कि जब हम यूजर बना रहे हैं तो हम एक यूजर टाइप दे रहे हैं, रेगुलर या प्रीमियम, तो वही चेक कर रहा है। एंड अगर ये प्रीमियम है देन अप्लाइंग 20% डिस्काउंट फॉर प्रीमियम यूजर, ओके। तो ये टोटल अमाउंट में 80% ही पे करना पड़ेगा टोटल का, ओके, अदरवाइज नो डिस्काउंट फॉर रेगुलर यूजर, ओके, आई गेट इट। एंड चेकआउट, चेकआउट पे क्या हो रहा है? अप्लाई डिस्काउंट, ओके, एंड टोटल आफ्टर डिस्काउंट। अच्छा, तो ये बेसिकली आपको चेकआउट करते ही आपको टोटल अमाउंट देगा आफ्टर डिस्काउंट, ठीक है, अगर डिस्काउंट एप्लीकेबल हुआ तो, क्योंकि मुझे यहाँ पे वही दिख रहा है कि यहाँ पे नो डिस्काउंट है, यहाँ पे 20% डिस्काउंट है, फेयर इनफ, ठीक है। तो एक बार और देख लेता हूँ, कार्ट है, मेन ऐप है, एक बार इसको रन करके चेक कर लेता है आउटपुट। सो आप ये पूछ के चेक कर सकते हो, ये शुड बी अलाउड। तो लैपटॉप एडेड टू द कार्ट, ठीक है, हेडफोन्स एडेड टू द कार्ट, नो डिस्काउंट फॉर रेगुलर यूजर एंड टोटल डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट इज $1,200। सो आप यहाँ पे देखोगे जो पहला यूजर था, रेगुलर यूजर के जो हमने प्रोडक्ट डाला था 1,200, सो इट सम्स अप टू 1,200 विच इज करेक्ट। एंड देन लैपटॉप एडेड टू द कार्ट, हेडफोन्स एडेड टू द कार्ट, जो कि हमने प्रीमियम के लिए करा था यहाँ पे, एंड देन आफ्टर चेकआउट यू सी अप्लाइंग 20% फॉर द प्रीमियम यूजर। तो यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई हो चुका है 20%, ठीक है। तो अभी एक बेसिक आइडिया कोड का मुझे मिल चुका है, ठीक है। जिसे हम अब जो भी फीचर आएगा उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि क्या करना है। नाउ आई विल से कि हाँ आई हैव सीन द कोड, नाउ यू कैन टेल मी व्हाट आई एम सपोज्ड टू डू, ठीक है, टू द इंटरव्यूअर। सो एज अ इंटरव्यूअर अब मैं रिक्वायरमेंट दूंगा। नाउ दैट यू हैव द नॉलेज ऑफ द कोड बेस, व्हाट आई वांट यू टू इंप्लीमेंट इज, नाउ वी हैव अ रिक्वायरमेंट कमिंग फ्रॉम द क्लाइंट एंड व्हाट दे आर लुकिंग फॉर इज दैट वी ऑल्सो नीड टू हैव अ सपोर्ट इन दिस एप्लीकेशन दैट वी हैव सम यूजर्स हु आर सुपर प्रीमियम, ठीक है, एंड एनी यूजर्स हु आर सुपर प्रीमियम डूइंग अ purchase using our app should get at least 30% of discount. So any super premium user doing purchase from our app should get 30% discount. ठीक है, ये basic requirement है। कि मेरे पास एक और requirement आ रहा है जहाँ पे they have introduced something called super premium and now if a user is a super premium तो हमें वो बेसिकली 30% डिस्काउंट देना है। तो अभी तक हमने क्या देखा था? नाउ मी एज अ कैंडिडेट आई एम जस्ट रीआइटरेटिंग व्हाट आई हैव सीन। सो राइट नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूजर, रेगुलर एंड प्रीमियम। नाउ आई हैव टू ऐड अ सपोर्ट फॉर अ सुपर प्रीमियम यूजर, ठीक है, एंड दैट मीन्स आपका यूजर का जो टाइप है देयर विल बी वन मोर टाइप, ओके, व्हिच वुड बी सुपर प्रीमियम एंड गिवन योर यूजर इज अ सुपर प्रीमियम हम क्या कर सकते हैं? कार्ट में वी हैव ऑलरेडी हैव दिस लॉजिक, राइट? सो वी कैन पुट अ चेक इफ दिस यूजर इज अ सुपर प्रीमियम देन ऑफ कोर्स वी शुड बी गिविंग देम 30% डिस्काउंट, ठीक है, and if it's premium it will be same as 20% and if the customer is a regular customer it would be 0%, मतलब no discount. So अब मैं इंटरव्यूअर को क्या बोलूँगा? Now I'll say the interviewer that we are already doing this for a premium customer, so it is very simple. In cart we have this method which is basically for applying discount. So here we'll need to add one more condition जहाँ पे हम check करेंगे if the user type is super premium then we'll be adding 30% discounts, basically total amount into 0.70, that would be 30%, right? 100% का 30% निकालेंगे तो 70% बचेगा, so 70% of the total amount should be paid, ठीक है? तो it is pretty simple, ठीक है, and the idea of this is कि we should be able to write it out and also test it out, ठीक है? I can do like otherwise also कि मैं पहले टेस्ट लिख रहा हूँ and then I'm writing the new feature, ठीक है? तो अभी के लिए अभी जो ThoughtWorks में प्रेफर्ड है वो है TDD वे कि आप पहले टेस्ट लिख लो एंड देन यू ऐड दिस फीचर। सो हम वैसे ही करते हैं, ठीक है? अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो राइटिंग टेस्ट फर्स्ट तो आप सिंपली TDD का एक पूरा का पूरा डिफरेंट वे है सीखने का, ठीक है? उसका मैं एक प्लेलिस्ट प्लान कर रहा हूँ, ठीक है, हाउ टू डू अ TDD, बट यहाँ पे बहुत सिंपल लगेंगे। द आइडिया इज टू राइट द यूनिट टेस्ट एंड द फीचर। आप मतलब पहले फीचर लिख लो फिर टेस्ट लिख लो या फिर टेस्ट लिख लो फिर फीचर लिख लो, ऐसे, ठीक है? सो द बेसिक आइडिया ऑफ राइटिंग और टचिंग एनी लीगेसी कोड बेस और अ कोड बेस, ठीक है, कि यू नीड टू हैव अ टेस्ट, ठीक है, एंड देन यू शुड स्टार्ट राइटिंग एनी न्यू फीचर। अदरवाइज आप अगर कुछ बग डाल देते हो, गलती से कुछ गलत हो गया तो जो एग्जिस्टिंग फीचर है वो इम्पैक्ट हो जाएगा, राइट? सो अभी तो अगर मैं देखूँ तो कोई टेस्ट नहीं है यहाँ पे, राइट? देयर इज नो टेस्ट, ठीक है? तो उसमें हम आएंगे, TDD वाला चीज में आएंगे। अभी के लिए हम ऐसे सिंपल रख लेते हैं कि हम सिर्फ फीचर डालते हैं एंड विल ट्राई टू ऐड अ टेस्ट फॉर इट, ठीक है? सो अभी क्या करते हैं? हमारे पास तो कोई टेस्ट नहीं है। लेट मी डू वन थिंग, मैं पहले टेस्ट ही लिख लेता हूँ, ठीक है? आई डिस्कस मतलब वॉट एवर इज यू आर कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका जो इंटरव्यूअर है वो थोड़ा लीनियंट है, आप वॉट एवर वे यू आर कंफर्टेबल विथ यू कैन डू इट, ठीक है? तो व्हाट आई डू, आई फर्स्ट राइट अ टेस्ट, ठीक है? सो आई डोंट हैव टेस्ट तो मैं एक कार्ट का टेस्ट बना लेता हूँ। सो आई यूज सम शॉर्टकट्स फ्रॉम इंटेलिजेंट, ठीक है? कमांड शिफ्ट टी डालने से इट विल आस्क यू टू क्रिएट अ टेस्ट फाइल। अदरवाइज आप ये टेस्ट पैकेट में जाके मैनुअली भी कार्ट टेस्ट क्लास बना सकते हो, ठीक है? एंड आई हैव दिस कमांड इन ऑप्शन टू क्रिएट अ न्यू टेस्ट, ठीक है? सो जो रेगुलर कस्टमर है उसमें कोई डिस्काउंट अप्लाई नहीं होगा, तो हम क्या बोल रहे हैं? शुड नॉट अप्लाई एनी डिस्काउंट, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ आप थोड़ा सा बने रहे, आपको समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो हमें चाहिए होगा वो होगा एक यूजर बनाने को। तो हम एक यूजर बना लेते हैं, ठीक है? ये यूजर का नाम दे देता हूँ सनी एंड देन एट द यूजर टाइप आई विल मेक इट रेगुलर यूजर, ठीक है? एंड एक वेरिएबल पे सेव कर लेता हूँ। इसके बाद मैं एक प्रोडक्ट चाहिए होगा तो प्रोडक्ट बना लेता हूँ। लेट्स नेम दिस प्रोडक्ट एज आईफोन, ठीक है? सो नेक्स्ट पैरामीटर इज प्राइस, तो लेट्स से द प्राइस इज 1 लाख, ठीक है? एंड इसके बाद क्या, इसको भी एक वेरिएबल में रख लेते हैं। तो मैं कुछ शॉर्टकट्स यूज कर रहा हूँ, आप नॉर्मल आपको अगर इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद इंटेलिजेंस आप नॉर्मली मैनुअली लिख सकते हो, ठीक है? एंड आई विल यूज अ कार्ट। अब इस कार्ट में क्या है, एक यूजर प्रोवाइड करना होता है। हमने ऑलरेडी यूजर प्रोवाइड किया है, बनाया है, तो उसको प्रोवाइड कर देंगे एंड इसको भी एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब क्या करना है? नाउ कार्ट डॉट चेकआउट, ठीक है? नाउ दिस विल गिव यू चेकआउट नहीं करेंगे, हम अप्लाई डिस्काउंट करते हैं, क्योंकि चेकआउट में क्या हो रहा है, चेकआउट में सिर्फ हम प्रिंट कर रहे हैं, वेयर एज अप्लाई डिस्काउंट में वी आर returning a value, the total amount after discount. So it's better to call your apply discount, ठीक है? And then what we can do, we can store it, we can say actual price, ठीक है? And just we can do a comparison कि here we are not expecting anything. It is 1 lakh. So let me just for simplicity let me call it 100, ठीक है? मतलब रियल में तो इतना प्राइस नहीं है, बट हम हमारा कोड है, हम कुछ भी कर सकते हैं. लेट्स मेक इट 100 एंड एक्चुअल प्राइस जो आएगा उससे कंपेयर कर रहे हैं. व्हाट वी आर सेइंग इज कि दिस इज अ रेगुलर कस्टमर. सो हमने एक चीज़ मिस करा, कार्ट में आपको प्रोडक्ट ऐड भी करना पड़ेगा, इसलिए ये अनयूज दिखा रहा है. सो ऐड दिस प्रोडक्ट हेयर आईफोन, ठीक है? नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी हैव क्रिएटेड अ रेगुलर यूजर. व्हाट वी कैन डू इज वी कैन नेम दिस बेटर रेगुलर यूजर, ठीक है? Then we have a product iPhone, we have a cart, and जहाँ पे we are adding this iPhone. Now if I run this, it should pass, ठीक है? And let's say आपने कुछ mistake करा and you are expecting let's say 20% discount here and you are expecting the price to be 80, then it should ideally fail. तो ये अभी fail हो रहा है, right? So the actual price is 100. Now we can do the same for what? We can do the same for should apply 20% डिस्काउंट, ठीक है? फॉर प्रीमियम यूज़र, ठीक है? यहाँ पे एक्सप्लिसिटली मैं बता देता हूँ. बेसिकली जब भी आप टेस्ट लिख रहे हो तो आपको एक्सप्लिसिटली बताना चाहिए कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका यूज़ केस क्या है. यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर रेगुलर यूज़र, जो पहला वाला था. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ ये चेंज होगा, प्रीमियम, ठीक है? यूनिट टेस्ट में बेसिकली ऐसे ही होता है, आप एक टेस्ट लिख दोगे तो उसके बाद आपका बेसिकली वैल्यूज ही चेंज होते हैं, ठीक है? आई विल कॉल दिस अ प्रीमियम यूज़र, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर सेम चीज़ का प्राइस 100 है तो यहाँ पे भी 100 होगा क्या? नहीं होगा. इसमें बेसिकली अप्लाई होना चाहिए डिस्काउंट. तो अब देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है अप्लाई 20% डिस्काउंट, जो प्राइस आ रहा है वो 80 आ रहा है एंड विच इज़ करेक्ट. सो विल बी पुटिंग 80. नाउ द नेक्स्ट केस इज, अच्छा यहाँ पे शुड नॉट नहीं, शुड अप्लाई होगा. ये कॉपी पेस्ट में ये एक दिक्कत होता है कि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो ये मिस मत करना. should apply now 30%, ठीक है? for super premium user, super, ठीक है? तो यहाँ पे बोल देंगे super premium, ठीक है? now what we are expecting is 30%, that means यहाँ पे 70 होना चाहिए, right? so अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे अभी भी 70 एक्सपेक्टेड है बट 100 आ रहा है, बिकॉज ऐसा कोई यूजर नहीं है हमारे पास, ठीक है? तो अभी देखते हैं कि ये क्या हो रहा है. when given a यूज़र टाइप एज सुपर प्रीमियम, तो यहाँ पे अगर आप जाओगे कार्ट पे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये प्रीमियम है तभी अप्लाई हो रहा है, अदरवाइज और कोई टाइप नहीं है तो वो डायरेक्ट एल्स में जा रहा है, इसलिए आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिल रहा है, ठीक है? ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बोल रहे हैं, नो डिस्काउंट फॉर रेगुलर यूजर. इससे अभी भी उसे लग रहा है कि ये रेगुलर यूजर है. तो हमें क्या करना है, वी हैव टू इंट्रोड्यूस वन मोर यूजर. तो यहाँ पे एक और इफ एल्स कंडीशन डाल देंगे हम लोग, एल्स इफ दिस यूजर इज सुपर प्रीमियम, ठीक है? सुपर प्रीमियम एंड फॉर सुपर प्रीमियम यहाँ पे प्रिंट लाइन भी चेंज कर दे रहा है. दिस विल अप्लाई व्हाट 30% एंड दिस विल बी 70, राइट? 70% अब अप्लाई हो रहा है, ठीक है? तो हमने वो फीचर ऐड कर दिया. अब जब हम अपना टेस्ट चलाएंगे, दिस शुड पास. नाउ यू सी applying 30% discount for super premium user, right? So now if I run all of my test, all of it should be working fine. कि that would tell you कि आपने कोई feature break भी नहीं किया और आपने एक अपना नया feature डाल दिया. तो आप देख सकते हो बहुत ही simple तरीके से, बहुत fast तरीके से मैं ये चीज़ को implement कर पाया, ठीक है? Whether you are writing test or not, whether you are adding the feature first and then writing the test later, कुछ फर्क नहीं पड़ता. अगर आपको चीज़ें क्लियर हैं, आपको कोड बेस समझ आ गया, आपको इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रांग है, तो आप बहुत इजीली इसको कर दोगे. बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने का जरूरत होता है. एंड आप अगर इतना कर देते हो, देन आई कैन से दैट यू विल गेट गुड फीडबैक्स फ्रॉम योर इंटरव्यूअर. सो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेज है, इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कोड्स में देखना होता है, इससे भी फर्दर रिफैक्टर कर सकते हैं, इससे भी मतलब मच बेटर लिख सकते हैं. इसका जो एडवांस वर्जन ऑफ कोड में धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियोज़ में बताऊंगा, आपको समझ में आएगा कि आप इसको किस लेवल तक लेके जा सकते हो, बट विथ बिगिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज परफेक्ट. ठीक है, सो आई होप आपको आज के वीडियो से कुछ वैल्यू मिला होगा, आप कुछ सीखे होगे एंड गुड पेयरिंग राउंड ऑल द बेस्ट अगर है आपका तो यू विल बी डूइंग गुड ग्रेट. सो अगर आपको लगता है कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूं, मैं वैल्यू प्रोवाइड कर सक रहा हूं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना. मैं इस वीडियो का लाइक टारगेट रखता हूं 50, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो पब्लिश करूंगा. ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंगेजमेंट बना रहे एंड दिस वीडियो कैन रीच आउट टू मोर पीपल सो दैट इट कैन क्रिएट मोर इम्पैक्ट. ठीक है, दिस इज ऑल फ्री फॉर ऑल ऑफ यू. इतना ही था इस वीडियो के लिए. आई होप आपको मजा आया होगा. ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए मुझे फॉलो कर ले, सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, और मेरे चैनल पे जाके आप ब्राउज भी करें. बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाला है. सो मिलते हैं ऐसे ही और भी वीडियोज में. तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग.